दोस्तों यहाँ पर फाइनली सिक्योरिटी एप्लीकेशन का एक नया अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जिसमें नया गेम टर्बो का अपडेट देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर ये जो अपडेट है शाओमी के लगभग सभी डिवाइसों में सेटिंग में ये अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको अपडेट के बारे में बताऊंगा, कौन सा बिल्ड नंबर है, कैसे आप लोग अपडेट कर सकते हो, इसके बारे में बात करें। तो अगर आप लोग शाओमी का कोई भी डिवाइस यूज करते हो, वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो अपडेट है सिक्योरिटी एप्लीकेशन का एक नया अपडेट है। पहले ही अपडेट आया था बट ये ऑफिशियली तरीके से नहीं आता, लेकिन अब यहाँ पर ये सभी डिवाइसों में ऑफिशियल तरीके से मिलना स्टार्ट हो चुका है। इसका जो बिल्ड नंबर देखने के लिए मिलता है वो है 6.2.3 का एक लेटेस्ट बिल्ड नंबर देखने के लिए मिलता है। पहला वर्जन था 6.2.0 का अपडेट था, बट यहाँ पर 6.2.3 का एक अपडेट मिलता है। बाकी यहाँ पर साइज की बात करूं तो लगभग 70 MB की साइज देखने के लिए मिलती है। और दोस्तों यहाँ पर अपडेट में क्या नया मिलता है, तो इसमें आपको मिल जाता है लेटेस्ट गेम टर्बो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लेटेस्ट गेम टर्बो जो कि 5.0 का एक नया अपडेट देखने मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ नए ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग इसमें UI में देख सकते हो, काफी सारे न्यू ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा काफी सारे ऑप्शन है, जैसे रिकॉर्ड है, सेटिंग्स है, DND है। इसके अलावा और भी कुछ नए ऑप्शन को ऐड किए जाएंगे, जो पुराने फीचर्स थे जिनको हटा दिया गया था उनको भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया। तो ये गेम टर्बो का एक नया अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है नए सिक्योरिटी अपडेट में। तो यहाँ पर आप लोग भी इसको अपडेट कर सकते हो, सिंपली सेटिंग में जाना, सिस्टम ऐप अपडेट में जाना है, वहां पर लगभग सभी डिवाइसों में अपडेट शो कर रहा है, और जाकर फटाफट से आप लोग भी डाउनलोड करके अपडेट कर लेना। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ये अपडेट जिनको मिला है। बाकी जिनको नहीं मिला तो आप लोग अपडेट कर सकते हो, इसकी एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर जाकर चेक करो, यहाँ पर अभी आप लोग को ये अपडेट देखने के लिए मिला होगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग Xiaomi का कोई भी डिवाइस यूज करते हो तो उम्मीद करता हूं आप लोग ये अपडेट मिला होगा। और वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में अपडेट आएगा तो आप लोग को समय पर पता चलते रहेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। दोस्तों इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में।